2007 में ये निर्णय लिया था कि यहाँ पर बुद्ध स्मृति पार्क बनाएंगे और उसके बाद से जो सारा काम किया तो आज से कई साल पहले तैयार हो गया अनेक प्रकार की और हम बराबर आते रहे हैं, लेकिन ये 2 साल से कोरोना वाला जो चक्कर आया उसी में आने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन आज फिर आने में बहुत मन को खुशी हुई। इसलिए आप देख रहे हैं कि इसका हर चीज को फिर से, जब हम पहले बराबर देखते रहते थे, कोई भी चीज नया करते थे, चाहे ये म्यूजियम का भी था तो आज खैर म्यूजियम को बंद किए हुए हैं, लेकिन और म्यूजियम में भी स्कूल के बच्चे बच्चों के लिए किया गया है। जगह जगह से लोग आकर के देखे और इस म्यूजियम को देखे और भगवान बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी और उन सब चीजों के बारे में ये सब किया गया है। और जो आप देखते हैं कि एक एक जगह पर जिस तरह से विकसित किया गया है, बोधी वृक्ष लगाया गया है, तो आप सबको मालूम है कि एक एक तरह से सब तरह की सुविधाएं की गई है और काफी लोग इसमें प्रसन्न है। और जो यहाँ पर पहले, और यहाँ पर तो जानते ही है कि बुद्धिज्म को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी यहाँ हुआ, तो सब तरह से यहाँ पर किया गया है और एक खास जगह विकसित किया गया है। तो आज फिर आने पर मुझको बड़ी खुशी हुई। आज तो जानते ही हैं कि आज तो भगवान बुद्ध की स्मृति का दिन है, तो आज तो सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि लोग जब देखेंगे तो लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, लोग समझेंगे और अच्छी दिशा में चलेंगे, विकास में ठीक से काम करेंगे और एक एक चीज को जानेंगे समझेंगे। तो इसलिए इस बात को देखना, और जानते ही हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, तो आप जानते ही न हैं कि दुनिया के कितने देशों में भगवान बुद्ध को लोग मानते हैं और बुद्धिज्म को अपनाते हैं। तो एक खास बात है, एक खास बहुत है। तो ऐसे मौके पर हम सब लोगों को सर एक सवाल है।